टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 25,000। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपका बजट 25,000 है, इस बजट में कोई से बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसमें कि आपको परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच का मिले, देन आप सही वीडियो पे आए हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 25,000। जो जो स्पेसिफिकेशन हम एक्सपेक्ट करते हो वो सभी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलेगा एंड इसके साथ ही बाकी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, बड़ी बैटरी, प्रीमियम लेवल का डिस्प्ले, तगड़े लेवल का कैमरा, ओवरऑल आपको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। वेस्टिंग एंड टाइम और आप बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर दो। कई इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो मोटो की तरफ से मोटो एज 50 फ्यूजन 5G। अगर आपको 22,000 से 23,000 के अंदर एक बेस्ट प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन चाहिए, देन आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। क्लीन यूआई मिलता है एंड फीचर जो है काफ़ी एकदम फ्लैगशिप लेवल के, प्रीमियम लेवल के देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 1600 Hz का पीक ब्राइटनेस भी, 360 Hz का टच सैम्पलिंग रेट है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी। ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है, 7.9mm का थिकनेस है, 174 ग्राम वेट है, आउटो डॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, IP68 का सर्टिफिकेशन है, मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ स्मार्टफोन है। डुअल स्टोरेज स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। 5000mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 68W का इनबॉक्स चार्जर भी। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतर 2650,000 के करीब में। ओवरऑल इससे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आपके इसके बैक में 15MP प्लस 13MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसका फ्रंट में लगा 32MP का सेल्फी कैमरा। कैसे इसे आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है एंड अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक भी स्मार्टफोन चाहिए देन आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8x28 का प्राइस 22,999 रुपये यानी कि 23,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बड़ो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो IQ की तरफ से IQ Z9 5G। गाइस, इसमें आपको डिस्प्ले, कैमरा एंड गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आपको 22 से 23,000 के अंदर एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, उसके साथ ही अच्छा डिस्प्ले हो, तगड़ा कैमरा हो, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.78 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 308 का टच सैम्पलिंग रेट भी, 1800 Hz का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, फोन को लग रिंग एंड डिस्प ब्लॉक है, ड्रैगन टेल का प्रोडक्शन है, 7.8mm का थिकनेस है और ये स्मार्टफोन आउटो डॉक 14 के साथ आता है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। इसमें आगे मीडियाटेक डेंसिटी 7200 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतर तो उसका 7,27,000 के करीब में। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, इससे आप लो टू हाई सेटिंग पर अच्छे से गेम प्लेइंग कर सकते हो। 5000mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 44W का इनबॉक्स चार्जर भी। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपके इसके बैक में 64MP प्लस 2MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इससे आप 4K वीडियोस 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8x28 का प्राइस 19,999 रुपये यानी कि 20,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपका जो बजट है वो मतलब 20 से 21,000 के करीब है एंड इस बजट में कोई से बेस्ट गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, देन आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहो, बात कर लेते हैं 30 नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 30 नंबर पर रैंक करता है वन प्लस की तरफ से OnePlus Nord CE 4 5G। गाइस, ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए जिन्हें वन प्लस सेंटरिंग वाले एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फोन को लगकर एक क्लीन डिस्प्ले लॉक है, 8.9mm का थिकनेस है, 186 ग्राम वेट है और ये जो स्मार्टफोन आउटो डॉक 14 के साथ आता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 5500mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 100W का इनबॉक्स चार्जर भी। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में यानी कि इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 773 का 5G चिपसेट, ओवरऑल आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, इससे आप लो टू हाई सेटिंग पर अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 8MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। अच्छी बात यह है कि इससे आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक मिल जाता है।
अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके RX 28 का प्राइस है 24,999 रुपये, यानी कि 25,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बड़े तरफ बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर रैंक करता है वो इन्फिनिक्स की तरफ से Infinix GT 20 Pro 5G। गाइस, अगर आपका जो बजट है 25,000 है एंड इस बजट में आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस, इसमें आपको परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलता है एंड इसके साथ ही बाकी फीचर्स भी काफ़ी तगड़े तगड़े देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.78 इंच का फुल HD+LTPS डिस्प्ले देखने को मिलता है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 1300 Nits का पीक ब्राइटनेस भी। फोन को लगकर एक लेंस ब्लॉक है, 8.1mm का थिकनेस है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। 5000mAh का बैटरी देंस को चार्ज करने के लिए 45W का इनबॉक्स चार्जर पिन है। कैसे इसमें आपको 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे, 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा MediaTek Dimensity 82000 का अल्टीमेट 5G चिपसेट, जो कि 4nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और जो उसका आता तो उसका 9,50,000 के करीब में है। गाइस, इसमें लगा है डेडिकेटेड गेमिंग चिपसेट, देन ये जो स्मार्टफोन है गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी आपको तगड़ा देने वाला है। इससे आप नो टू हाई सेटिंग पे किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108MP+2MP+2MP का ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। इसका फ्रंट में लगा 32MP का सेल्फी कैमरा। सबसे अच्छी बात है कि इससे आप 4K 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा भी आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका 8256 का जो प्राइस है 24,999 रुपये, यानी कि 25,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बड़े तरफ बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो पोको की तरफ से Poco X6 Pro 5G। ये स्मार्टफोन 25,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। गाइस, 30,000 के भी बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। इसमें जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप लेवल का मिल जाता है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 1800 Nits का पीक ब्राइटनेस भी। कोरिंग और लेगलेस 5 का प्रोडक्शन भी। फोन को लगकर एक लेंस ब्लॉक है, 3.5mm का हेडफोन जैक है, 8.2mm का थिकनेस है, 186g वेट है। ये स्मार्टफोन ऑटो डॉक 14 के साथ आता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, IP54 का सर्टिफिकेशन भी है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। 5000mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने का 67W का इनबॉक्स चार्जर भी है, यानी कि 67W का। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा MediaTek Dimensity 83000 का 5G चिपसेट और जो उसका अंत होता है 1.4 मिलियन के करीब में, 4nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ओवरऑल आपको गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम टॉप लेवल का मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन 30,000 के बजट वाले स्मार्टफोन को टक्कर दे देता है इजीली। मतलब कि जितना इसमें जो प्रोसेसर दिया है, ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। तो अगर आप एक गेमिंग यूज़र हो देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को आँख बन करके ले सकते हो। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64MP+8MP+2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसे आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल प्राइस अकॉर्डिंग कैमरा आपको अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 23,999 रुपये, यानी कि 24,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। अगर ये स्मार्टफोन आपको 25,000 में मिले एंड अगर आपका जो मेन टारगेट है वो गेमिंग है, देन आप इस स्मार्टफोन को आंख बंद करके ले सकते हो। ये स्मार्टफोन आपको वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट फ्लेक्सिबल गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 25,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार करो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।